इसराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत बड़ी नसीहत दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू की गतिविधियों को गलती बताया है, खासकर सहायता कर्मियों की मौत को लेकर। इसराइल ने गाजा पट्टी में घातक इसराइली हमले में हुई सहायता कर्मियों की मौत पर कहा था कि ये सब मुश्किल हालात में गलत पहचान की वजह से हो गया था। इस बीच बाइडेन ने एक इंटरव्यू में नेतन्याहू को लेकर कहा, मुझे लगता है कि वो गलती कर रहे हैं, मैं उनके नजरिए से सहमत नहीं हूँ। बाइडेन ने इजरायली हमले में सहायता कर्मियों की मौत को अपमानजनक घटना बताया है। उन्होंने गजा में युद्ध विराम की जरूरत पर भी जोर दिया। बाइडेन ने कहा, मैं इजरायलियों से केवल युद्ध विराम की बात करने अगले 6-8 हफ्ते के लिए अनुमति देने का आह्वान कर रहा हूं, ताकि गजा में बिना रुकावट के खाना और दवाएं पहुँच सकें। मैंने सऊदी से लेकर जॉर्डन और मिस्र तक सभी से बात की है, वे खाने को अंदर ले जाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए कोई बहाना नहीं हो सकता कि उन लोगों की चिकित्सा और खाने की जरूरतों को पूरा नहीं किया जाना चाहिए। इसराइल हमास युद्ध की वजह से गजा में बहुत बड़ी आबादी बेघर हो गई है। अमेरिका गजा के रफा में जमीनी लड़ाई को लेकर भी इसराइल को नसीहत दे चुका है। दरअसल इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद जैसे जैसे गजा के बाकी हिस्से तबाह होते गए, वैसे वैसे गजा के आम लोग रफा की तरफ भागने लगे। अब खुद अमेरिका का मानना है कि उन लोगों के पास रफा के अलावा गजा में कोई सुरक्षित जगह नहीं है। हालांकि इसराइली पीएम नेतन्याहू ने हाल ही में रफा में हमला तेज करने का संकल्प लिया था। नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि इसराइल को रफा में जमीनी बलों को भेजना चाहिए, क्योंकि ये गजा में हमास का आखिरी गढ़ है। आम लोगों को लेकर इसराइल कहता रहा है कि उसके पास इन लोगों की रक्षा की योजना है। हालांकि इसराइल के अब तक के अभियान में लगातार आम लोगों के हताहत होने की खबरें सामने आती रही हैं। इसराइल हमास युद्ध इसराइल पर फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था। लंबे वक्त से इसराइल की मदद करने वाला अमेरिका कहता रहा है कि इसराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मगर गजा में आम लोगों की मौत के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा है तो अमेरिका ने इसराइल को नसीहत देना शुरू कर दिया है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि अमेरिका की नसीहत का इसराइल पर कोई असर होता है या नहीं।